हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो देखिए, आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 25 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए तारीख रहेगा 25, 8 और 23 के लिए। ठीक है, तो देखिए 25 तारीख के लिए भी गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लेकिन देखिए 25 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करने से पहले, गेम देखने से पहले, सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को जो कि 24 तारीख के लिए कल्याण के लिए, ठीक है, 24 तारीख के लिए कल्याण के लिए मैंने आप लोगों को OTC में, देखिए नॉर्मल OTC में यहाँ पर देखिए 0 दिया था और स्ट्रॉन्ग OTC में यहाँ पर देखिए 1 दिया था। और 24 तारीख के गेम में जोड़ी गेम में क्या गेम बना था, देखिए 24 तारीख के गेम में जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 01 का जोड़ी गेम बना है। और मैंने आप लोगों को जैसे कि नॉर्मल OTC में 0 दिया था तो 0 ओपन गेम में गेम पास देखने को मिला है, और स्ट्रॉन्ग OTC में 1 दिया था, 1 क्लोज गेम में भी गेम पास देखने को मिला है, मतलब कि ओपन टू क्लोज गेम। ठीक है, ओपन टू क्लोज गेम मतलब कि जोड़ी गेम में ही गेम पास देखने को मिला है। तो आप सभी को इसी बात पे दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। जैसे कि मैंने आप लोगों को 24 तारीख के लिए कल्याण के लिए नॉर्मल OTC गेम में 0 दिया था, 0 ओपन गेम में गेम पास देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग OTC गेम में 1 दिया था, 1 क्लोज गेम में गेम पास देखने को मिला है। तो ओपन टू क्लोज गेम मतलब कि जोड़ी गेम में ही गेम पास देखने को मिला है। तो और एक बार आप सभी को दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगर आप लोगों ने अभी तक 24 तारीख का वीडियो नहीं देखा है, अगर आप लोगों को देखना है, चेक करना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है, 24 तारीख का वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो पर हम बात करने वाले हैं 25 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो देखिए 25 तारीख के लिए भी गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, और आज जो मैं आप लोगों को 25 तारीख के लिए लाइन दिखाने वाला हूँ, लाइन बहुत ही अच्छा होने वाला है, और उसी लाइन के हिसाब से यहाँ पर हम 25 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इन सब को यहाँ पर इरेज कर लेते हैं और यहाँ पर डेट को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, चूँकि आज हम 25 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो देखिए और एक बात, वीडियो देखने के साथ साथ, गेम देखने के साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लाइन देखेंगे। तो देखिए लाइन कहाँ से देखेंगे, लाइन यहाँ पर 24 तारीख के गेम से यहाँ पर लाइन देखेंगे, जो कि 24 तारीख के गेम से देखिए ओपन पैनल से फर्स्ट लाइन देखेंगे, जोड़ी गेम से सेकंड लाइन देखेंगे और क्लोज पैनल से थर्ड लाइन देखेंगे, मतलब कि तीन लाइन देखेंगे, तीन लाइन देखेंगे, तीन लाइन के हिसाब से यहाँ पर 25 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, तो ओपन पैनल को साइड में और एक बार लिख लेते हैं। ओपन पैनल पर देखिए 578 का अंक। सेकेंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, जोड़ी गेम को भी साइड में और एक बार लिख लेते हैं, जोड़ी गेम में देखिए 01 का जोड़ी गेम। थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं, क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 344 का अंक। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, उसका थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन देखेंगे जो कि ओपन पैनल से देखेंगे, तो ओपन पैनल को और एक बार साइड में लिख लेते हैं 578 का अंक। ठीक है, तो अभी देखिए 5 और 7 को जोड़ेंगे 12 का अंक बनेगा, 12 से 2 को लिखेंगे 1 रहने देंगे, 7 और 8 को जोड़ेंगे 15 का अंक बनेगा और 1 जो रह गया था उसको लेंगे 16 का अंक बनेगा, उसके बाद 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 का अंक बनेगा, 1 और 6 को जोड़ेंगे 7 का अंक बनेगा, 3 और 7 को जोड़ेंगे 10 का अंक बनेगा। उसके बाद देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, 0 की जगह पर 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 का अंक बनेगा, 1 और 1 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 0 का अंक बनेगा। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 2 और 0 का अंक बनाए। ठीक है, तो देखिए हम अभी लाइन को और एक बार चेक कर लेते हैं कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से, ओपन पैनल पे देखिए क्या था 578 का अंक, तो 5 और 7 को जोड़ा 12 का अंक बना, 12 से 2 को लिखा 1 रहने दिया, 7 और 8 को जोड़ा 15 का अंक बना और 1 जो रह गया था उसको लिया 16 का अंक बना, उसके बाद 2 और 1 को जोड़ा 3 का अंक बना, 1 और 6 को जोड़ा 7 का अंक बना, उसके बाद 3 और 7 को जोड़ा 10 का अंक बना, उसके बाद देखिए 0 का वैल्यू 1, 1 और 1 को जोड़ा 2 का अंक बना, 1 और 1 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 0 का अंक बना है। तो देखिए लाइन ठीक है, लाइन कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 2 और 0 का अंक बना है। तो अभी हम इसको कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 2 और 0 का अंक देखने को मिला है। अभी हम सेकंड लाइन देखेंगे, सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, तो जोड़ी गेम को भी साइड में और एक बार लिख लेते हैं, जोड़ी गेम में देखिए क्या था, जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 01 का जोड़ी गेम। तो सबसे पहले देखिए 0 का वैल्यू 1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 का अंक बनेगा, फिर से 1 और 1 को माइनस करेंगे फिर से 0 का अंक बनेगा,
तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी हमें देखिए टू और जीरो कांग देखने को मिला है। सेकंड लाइन जोड़ी गेम में क्या था, जीरो वन का जोड़ी गेम, तो जीरो का वैल्यू वन, फिर से वन और वन को जोड़ा टू कांग बना, वन और वन को फिर से माइनस किया, फिर से जीरो कांग बनाए। सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से टू और जीरो कांग बनाए, ठीक है। तो अभी हम इसको भी इरेज करके कट करके यहाँ पर साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि देखिए सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से भी टू और जीरो कांग देखने को मिला है। तो अभी देखिए फर्स्ट लाइन भी हो गया है, सेकंड लाइन भी हो गया है, ठीक है। अभी हम थर्ड लाइन देखेंगे, तो देखिए थर्ड लाइन कहाँ से देखेंगे, थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे। तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए क्लोज पैनल पे क्या था, क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 3 4 4 कांग। तो देखिए सबसे पहले हम 3 और 4 को जोड़ेंगे, 7 कांग बनेगा। उसके बाद 4 और 4 को जोड़ेंगे, 8 कांग बनेगा। 7 और 8 को जोड़ेंगे, 15 कांग बनेगा। उसके बाद 1 और 5 को जोड़ेंगे, 6 कांग बनेगा। 1 और 5 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 4 कांग बनेगा। 1 और 5 को जोड़ा, 6 कांग बना, 1 और 5 को फिर से माइनस किया, फिर से 4 कांग बनाया। तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी देखिए 6 और 4 कांग बनाए। तो इस लाइन को भी और एक बार चेक कर लेते हैं, जो कि थर्ड लाइन क्लोज पैनल से, ठीक है। तो देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से, क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 3 4 4 कांग। तो सबसे पहले हमने 3 और 4 को जोड़ा, 7 कांग बना। 4 और 4 को जोड़ा, 8 कांग बना। 7 और 8 को जोड़ा, 15 कांग बना। 1 और 5 को जोड़ा, 6 कांग बना। 1 और 5 को फिर से माइनस किया था, यहाँ पर देखिए फिर से 4 कांग बनाए। तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी 6 और 4 कांग बनाए। तो अभी हम इसको भी इरेज करके साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 6 और 4 कांग देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी देखिए तीनों लाइन हो गया है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। तो देखिए कौन से लाइन से क्या क्या अंक निकला है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 2 और 0 कांग देखने को मिला है, सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी 2 और 0 कांग देखने को मिला है, और थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 6 और 4 कांग देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी देखिए जो हमें यहाँ पर ये तीनों लाइन देखने को मिला है, ये तीनों लाइन अभी भी पहला लाइन हुआ है, मतलब कि अभी हम इनसे और एक करके लाइन करेंगे, उसके बाद जो हमें अंक देखने को मिलेगा वो होगा फाइनल गेम के लिए अंक, ठीक है, फाइनल अंक होगा वो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 2 और 0 कांग देखने को मिला था। तो देखिए फिर से आप लोगों को जैसे कि पता है 0 का वैल्यू 1, तो सबसे पहले हम 2 और 1 को जोड़ देंगे, ठीक है। 2 और 1 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 3 कांग बनेगा, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 2 और 0 कांग देखने को मिला था। अभी देखिए फिर से 2 और 1 को जोड़ देंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे फिर से यहाँ पर देखिए 3 कांग बनेगा। लेकिन हमें फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 3 कांग पहले से देखने को मिला है, इसलिए जो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 3 कांग देखने को मिला है, इस 3 कांग को हम नहीं देखेंगे, 3 के फैमिली को देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 3 का फैमिली 8 कांग। उसके बाद अभी देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 6 और 4 कांग देखने को मिला था। सबसे पहले देखिए हम 6 और 4 को जोड़ देंगे, 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 कांग बनेगा। उसके बाद देखिए 0 का वैल्यू 1, 1 और 1 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 कांग बनेगा। और जो हमने सबसे पहले 6 और 4 को प्लस किया था, अभी माइनस करेंगे, 6 और 4 को माइनस करेंगे फिर से 2 कांग बनेगा। अभी 2 और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 4 कांग बनेगा, ठीक है। अभी देखिए कौन से लाइन से क्या क्या अंक निकला है फाइनल अंक। फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 3 कांग देखने को मिला और 3 का फैमिली। सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 8 कांग देखने को मिला है और थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 4 कांग देखने को मिला है। अभी देखिए 3 लाइन के हिसाब से 3 अंक देखने को मिला है, लेकिन अभी भी हमें और एक अंक चाहिए, क्योंकि हमें 4 अंक चाहिए। तो और एक अंक में हम क्या अंक देखेंगे, देखिए जैसे कि फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 3 कांग देखने को मिला है और 3 का फैमिली। सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 8 कांग देखने को मिला है और थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 4 कांग देखने को मिला है। तो 4 के फैमिली को हम और एक अंक में देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 4 का फैमिली 9 कांग, ठीक है, इसको हम और एक अंक में देखेंगे। तो अभी देखिए लाइन पूरा हो गया है, तो अभी इन सबको हम कट कर देते हैं और क्लियर कर लेते हैं और गेम में देख लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी में कौन सा जाएगा और नॉर्मल ओडिसी में कौन सा जाएगा वो देख लेते हैं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी में देखिए 3 और 8 कांग जाएगा और नॉर्मल ओडिसी में यहाँ पर देखिए 4 और 9 कांग जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में 3 और 8 कांग देखने को मिला और नॉर्मल ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 4 और 9 कांग देखने को मिला है। तो देखिए गेम देखने को मिल गया, जो कि यहाँ पर 25 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने हर एक फ्रेंड के साथ, अपने हर एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।